हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप योर डूइंग वेल रीडिंग्स टू यू सो वी एल ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में चैप्टर एट बॉडी मूवमेंट्स क्लास सिक्स सेंसियाआरटी हमने डिस्कस किया था अलग अलग टाइप की मूवमेंट देखी थी हमने कि अलग अलग एनिमल्स कैसी मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर या कैसी मूवमेंट हो रही है प्लांट कौन सी मूवमेंट शो करता है क्योंकि लिविंग थिंग्स ही मूवमेंट शो करती हैं नॉन लिविंग तो मूव शो नहीं करती राइट तो हमने ये देखा था अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसी मूवमेंट होती है ओके okay? तो जैसे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती हूँ लाइक मेरी नेक है मेरी नेक लेफ्ट साइड मूव कर रही है ओके देन राइट साइड मूव कर रही है ये एक मूवमेंट है ओके अप एंड डाउन ऊपर नीचे मूव कर रही है मेरा रिस्ट है ये आगे पीछे मूव कर रहा है साइड में मूव कर रहा है ओके okay? मेरी एल्बो है यहाँ पर ये मूव कर रही है ओके okay? यहाँ पे मेरी आर्म शोल्डर से जॉइंट है तो यहाँ पे मूवमेंट आप देख सकते हो तो ये सारी क्या है मूवमेंट हैं ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं मेरी बॉडी में आ, ये किसकी वजह से हो रही है जॉइंट्स की वजह से हो रही है अगर आप देखो मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर लूँ ओके मैं यहाँ पर ऐसे होल्ड कर लूँ और फिर मैं इसको टाइट पकड़ लूँ तो मैं ऐसे अपनी अपना हाथ आप ऐसे नहीं कर पाओगे आप कोशिश करना आपका हाथ ऐसे नहीं हो पाएगा अगर हमारी पूरी बोन एक होती तो हम कभी भी अपना हाथ ऐसे अपने मुंह के पास ही ना पाते हम खाना नहीं खा पाते फिर हम ऐसे ऐसे करके कि किसी और को खाना तो खिला सकते बट हम खुद नहीं कभी खा सकते राइट right? तो हम बस ऐसे ऐसे ही हमारे हाथ सीधा सीधा रहता फिर हमेशा फिर ऐसे ऐसे करते जब मैं कुछ बोलती तो मैं ऐसे करती कभी मैं ऐसे नहीं कर पाती ऐसे नहीं कर पाती मैं बस ऐसे ऐसे करती राइट right? तो ये सब क्या है ये मूवमेंट्स हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे पास एक टेबल है हमारी बुक में जो बना हुआ है एट मूवमेंट्स क्या है टेबल का नेम मूवमेंट्स इन आर बॉडी ये एक टेबल का नेम है ओके okay? तो हम देखते हैं इसमें अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसी मूवमेंट शो करते हैं अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स दे रखिए हमें जो हमारे पास टेबल है रोटेट्स कम्प्लीटली रोटेट्स पार्टली बेंड हो सकती है बेंड मतलब झुकना ओके लिफ्ट हो सकती है डज नॉट मूव एट ऑल तो हमें इनमें कैटेगराइज देखना है येस नो येस नो या फिर टिक करके हम बताएंगे कि कौन सा पार्ट जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं लिखे हुए हैं वो कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है ओके okay? तो पहला जो हमारे पास पार्ट हमें दे रखा है वो क्या है नेक है अभी मैंने आपको नेक की मूवमेंट करके दिखाई तो क्या आपकी नेक पीछे जा पा रही है आपको पता है आउल की नेक पीछे चली जाती है तो आउल कंप्लीट रोटेट कर सकता है बट ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें क्या हो जाएगा नो no. क्रॉस कर दिया मैंने ओके okay? नेक्स्ट है रोटेट पाटली पार्टली तो रोटेट कर पा रही है यस yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट राइट नेक्स्ट है बेंड बेंड भी हो सकती है हमारी नेक अभी मैंने आपको बेंड करके दिखाई थी बेंड भी हो गई थी ओके okay? लिफ्ट भी हो सकती है अभी लिफ्ट भी, भी करा था मैंने ऊपर ये भी हो सकता है ओके okay, तो डज नॉट मूव एट ऑल ऐसा तो नहीं है तीन मूवमेंट तो शो कर रही है तो ये तो कौन कैंसिल हो जाएगा मूवमेंट तो हो रही है कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो रही है बाकी सारी मूवमेंट पॉसिबल है राइट right? नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट रिस्ट मैंने आपको बताई थी ये जब हमारा जो हैंड है जो हमारी फिंगर्स हैं और हमारा हैंड ये जो हमारी आर्म है इससे जॉइंट होता है तो ये जो move, बीच में जॉइंट होता है इसे ये है रिस्ट यहाँ आप इसको कहते हैं रिस्ट जैसे रिस्ट में वॉच पहनते हैं रिस्ट वॉच तो उससे आप याद रखो रिस्ट ये है राइट right? तो रिस्ट की मूवमेंट्स अब हम देखते हैं रोटेट्स कंप्लीटली जो रिस्ट है वो कंप्लीटली रोटेट कर सकती है येस yes, देखो मैं आपको कंप्लीटली रोटेट करके भी दिखा रही हूँ येस yes, कर सकती है ओके रोटेट्स पार्टली जब कंप्लीट मूवमेंट कर सकते तो पार्टली मूव मूव तो नहीं करेगी कंप्लीट में डालेंगे तो ये क्या हो गया क्रॉस हो गया ओके okay, बेंड हो सकती है यस yes, बेंड हो सकती है लिफ्ट हो सकती है लिफ्ट भी हो सकती है डज नॉट ये तो क्रॉस हो गया बिकॉज वो इतनी सारी मूवमेंट शो करते हो रही है ओके okay? नेक्स्ट अब देखते हैं फिंगर्स ये हमारी मेरी हैंड के फिंगर्स हैं राइट अब इनके बारे में देखते हैं तो जो फिंगर्स हैं क्या वो आप आप मुझे खुद बताओ क्या वो रोटेट हो सकते हैं कंप्लीटली नहीं हो सकती ओके okay? तो ये क्या हो जाएगा नो रोटेट्स पार्टली पार्टली रोटेट कर सकती हैं फिंगर्स पार्टली भी रोटेट नहीं कर सकती नो ओके बेंड बेंड हो सकती है हमारी फिंगर यस बेंड तो हो सकती है लिफ्ट लिफ्ट हो सकती है लिफ्ट भी नहीं हो सकती और डज नॉट मूव एट ऑल ऐसा तो नहीं है एक मूवमेंट तो कर रही है ओके अब हम देखते हैं नी नी आपको पता है नी घुटना ठीक है जो हमारे जो हमारी बीच में होता है पे मैं आपको दिखा नहीं सकती आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ आप साइड में पिक्चर देखो आपको नी की पिक्चर दिख रही है राइट ये होता है नी हमारा अब हम देखते हैं नी कैसी मूवमेंट हमें शो करता है ओके तो नी जो है वो रोटेट्स कंप्लीटली नहीं नी कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकता ओके नी रोटेट पार्टली नी पार्टली रोटेट कर सकता है नो नी पार्टली भी रोटेट नहीं कर सकता नी फिक्स है एक्चुअली ओके बेंड बेंड तो हो सकता है है ना नी बेंड तो हो सकता है बताओ यस बेंड तो हो सकता है ओके लिफ्ट लिफ्ट भी लिफ्ट कर सकते हैं हम नी को नहीं कर सकते लिफ्ट कैसे करेंगे ओके okay. तो डज नॉट मूव एट ऑल ऐसा नहीं है क्योंकि एक मूवमेंट शो कर रहा है तो ये क्रॉस हो गया ओके एंकल एंकल की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में इसको कहते हैं एंकल जो हमारे जो uh,

नहीं लिफ्ट तो हो नहीं सकता बिल्कुल फिक्स रहता है वो तो आगे आगे वाला फुट हो रहा है ना वो तो लिफ्ट एंकल तो नहीं हो रहा है एंकल फिक्स है राइट डज नॉट मूव एट ऑल ऐसा तो नहीं है मूवमेंट शो कर रहा है लिफ्ट नहीं हो सकता सॉरी यहाँ पे क्रॉस होगा ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं टो टो देखो जो हमारी पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम टो तो कहते हैं ओके okay? मैंने आपको पिक्चर दिखाई साइड में ये होता है टो तो ये रोटेट कंप्लीटली नहीं कैसे रोटेट होगा नहीं हो सकता राइट टो रोटेट नहीं होता टो पार्शली रोटेट होता है नो no. पार्शली भी रोटेट नहीं होता राइट right? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है बेंड हो सकता है हाँ बेंड तो हो सकती है फिंगर्स हमारी पैरों की बिल्कुल बेंड हो सकती हैं ओके नेक्स्ट देखो हमारे पास लिफ्ट हो सकती है नहीं लिफ्ट नहीं हो सकती लिफ्ट हो सकती है ना लिफ्ट हो सकती है, मैं है ना मैंने करके देखा लिफ्ट हो सकती है डज नॉट मूव एट ऑल नो ये क्रॉस हो गया नेक्स्ट देखते हैं बैक बैक अब देखो हमारी जो बैक है वो मूवमेंट किसी भी तरीके की मूवमेंट शो कर रही है नहीं बैक कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रही पर बैक बेंड हो सकती है बैक झुक सकती है झुक सकते हैं ना झुक हम सकते हैं पर वैसे और कोई मूवमेंट बैक शो नहीं करती तो नॉट में तो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी मूवमेंट तो वो कर रही है राइट right? सो so, ये हो गया ये हमने देखे एक दो आ, 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 पार्ट और पार्ट्स और हैं क्या क्या रह गया हमारे पास हेड रह गया एल्बो रह गई आर्म रह गई वो भी हम देख लेते हैं देन उसके बाद हमारा ये जो टेबल है वो कम्प्लीट हो जाएगा सो so, अब हम थोड़े और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं हेड हेड है है? जो है हमारा सर ठीक है वो कैसी मूवमेंट शो करता है? हेड जो है हमारा रोटेट करता है नहीं नेक करती है ना वो तो हेड तो नहीं करता नो ओके रेड हेड पार्टली रोटेट करता है नो ओके बेंड करता है बेंड हेड हमारा क्या बेंड करता है आप खुद बताओ सोच के क्या आपका हेड जो है वो बेंड करता है नो no. लिफ्ट करता है लिफ्ट लिफ्ट करता है आपका हेड जल्दी बताओ सोचो 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 कमेंट में नीचे लिखना आप नहीं करता ओके okay. yes. खुद से तो मूव नहीं करता नेक की वजह से जो भी हो रही है मूवमेंट हो रही है तो हेड की खुद की कोई मूवमेंट नहीं है ओके okay. एल्बो जो एल्बो को होती है हमारी ये ये वाला जॉइंट इसे कहते हैं एल्बो ओके तो ये वाला जो जॉइंट है हमारा ये रोटेट करता है कंप्लीटली नहीं देखो कहाँ रोटेट कर रहा है नहीं करता ओके okay. ठीक है रोटेट पार्टली जो हमारा एल्बो है वो क्या पार्टली रोटेट करता है नहीं कहाँ कर रहा है कुछ भी रोटेट नहीं कर रहा नहीं करता ओके okay, बेंड करता है एल्बो बेंड तो करती है यस yes, है ना लिफ्ट भी करती है ओके okay, तो डज नॉट मूव एट ऑल नो ओके आर्म अब आर्म देखते हैं आर्म हमारी पूरी है जो हमारा पूरा हाथ है जो शोल्डर से जॉइंट है हम क्या बोलते हैं ये आर्म है ओके okay, तो आर्म क्या है पूरी मूवमेंट करती है देखो मूवमेंट कर रही है यस yes. ओके okay, तो जब पूरी मूवमेंट कर रही है तो हाफ तो करेगी नहीं पूरी कर रही है राइट right? बेंड करती है बिल्कुल बेंड बेंड कर रहा है नीचे जा रहा है ओके okay? लिफ्ट हो रहा है लिफ्ट भी हो रहा है देखो जब स्कूल में हमें पनिशमेंट मिलती है बहुत बार याद है आपको मैम मैम ऐसे हार्ट लिफ्ट करके स्टैंड कर देती है वो भी हो रही है तो डज नॉट मूव एट ऑल नो ऐसा तो नहीं है मूवमेंट हो रही है राइट right? तो ये हमने सारी मूवमेंट्स देखी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की हमने ये टेबल फिलअप किया आपने भी फिलअप किया होगा मेरे साथ ओके okay? तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग